हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोल्टी के बेसिक के बारे में, वोल्टी कॉल सेटअप के बारे में, वोल्टी प्लानिंग एंड डाइमेंशनिंग के बारे में, मोबिलिटी क्या है और वोल्टी कौन सा कोडेक यूज करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है यानी कौन सा कोडेक यूज करके वोल्टी सर्विस देता है, कितने यूजर्स को कितने एमबीपीएस की स्पीड से कोडेक यूज करके सर्विस देता है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और, जैसे ये क्वेश्चन है, डज QCI 1 और QCI 5 सेटअप साइमल्टेनियसली फॉर वोल्टी, यानी वोल्टी के लिए जो QCI 1 है और QCI 5 है वो एक साथ सेटअप होते हैं या नहीं, इसके बारे में भी जानते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा नॉर्मल LTE नेटवर्क है उसमें क्या होता है। जब हम कॉल लगाते हैं तो हमारा नेटवर्क जो 4G नेटवर्क है वो 4G से 3G यानी लिगेसी नेटवर्क में जाने में काफी टाइम लेता है। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए हमारा एक ये वोल्टी आया। ठीक, इस वोल्टी में क्या होता है कि जो हमारी कॉल सेटअप होती है वो बहुत जल्दी से हो जाती है, यानी जो वॉइस सेशन हमें मिलता है LTE के ऊपर वो काफी जल्दी हो जाता है। जबकि हम CSFP इससे पहले क्या था, जब वोल्टी नहीं था, जब हम 4G पर कॉल लगाते थे तो हमारी कॉल 4G पर नहीं चलती थी क्योंकि उसे लिगेसी नेटवर्क चाहिए था। ठीक है, लिगेसी नेटवर्क के लिए या तो वो 2G में जाएगा या 3G में जाएगा। ठीक, 4G से जब वो 3G में जाएगा तो वो उस टाइम पे काफी टाइम लेता है 3G में जाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है जिससे हमारी जो टाइम काफी लगने के साथ साथ यह वोल्टी से अच्छी क्वालिटी भी नहीं दे पाता है। ठीक है, वोल्टी में क्या है, बहुत तेजी से कॉल सेटअप होती है क्योंकि इसमें हमें CSFP की कोई जरूरत ही नहीं होती, नहीं किसी अदर रेडियो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। और वोल्टी की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है क्योंकि ये ज्यादा बैंडविड्थ यूज करता है और इसके साथ साथ इसके एडवांस फीचर भी हैं। ठीक, जो हमारा कोई वोल्टी यूजर है वो क्या करता है, QCI 9, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है, ए वोल्टी यूजर अटैच टू द LTE नेटवर्क यूजिंग बोथ QCI एंड QCI 5। जो हमारी QCI 9 है और QCI 5, ये दो QCI हैं जिनका यूज करके कोई भी यूजर वोल्टी से अटैच हो पाता है। ठीक, QCI 9 क्या है, QCI 9 इज द डिफॉल्ट बियरर फॉर डेटा। QCI 9 जो है वो एक डिफॉल्ट बियरर है डेटा के लिए, जबकि QCI 5 क्या है, एक्ट एज अ डिफॉल्ट बियरर। कैसे बिहेव करता है, डिफॉल्ट बियरर की तरह, किसके लिए, वॉइस के लिए। एंड इट कैरीज SIP सिग्नलिंग। SIP सिग्नलिंग जितनी भी होती है वो कौन कैरी करता है, QCI 5। ठीक, उसके बाद क्या है, व्हेन ए कॉल नीड्स टू बी सेटअप, जब हमें कोई कॉल सेटअप करनी होती है, कॉल सेटअप करने की आवश्यकता होती है तो एक एडिशनल बियरर की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या है, QCI 1। ठीक है, एन एडिशनल बियरर इज एडेड फॉर QCI 1, ठीक, विच इज ए GBR बियरर। जो QCI 1 के साथ जो ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं, GBR बियरर। ठीक, और सेटअप करने के लिए। एंड ऑल वॉइस डेटा RTP पैकेट्स, और सभी वॉइस डेटा जितना भी होता है RTP पैकेट्स के लिए। अब ये RTP क्या है, RTP जो होता है वो होता है, RTP इज ए पेलोड प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव वॉइस ऑडियो स्ट्रीम। ठीक, RTP क्या है, एक पेलोड प्रोटोकॉल है जो यूज किया जाता है सेंड और रिसीव करने के लिए वॉइस ऑडियो स्ट्रीम्स को। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं फॉर KPI परस्पेक्टिव। KPI की तरफ से अगर देखें तो द ईरैम सेटअप सक्सेस रेट ऑफ QCI 1, जो ईरैम सेटअप सक्सेस रेट है QCI 1 का, कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टी कॉल सेटअप सक्सेस रेट। ठीक है, वो यूज किसकी तरह यूज हो सकता है, वोल्टी कॉल सेटअप सक्सेस रेट की तरह, लेकिन ड्राइव टेस्ट और CEMs प्रोस्पेक्टिव से देर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक, यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप, एन ईरैम सेटअप फॉर ऑफ QCI 1 माइट बी सक्सेसफुल बट द कॉल माइट स्टिल फेल। जो ईरैम सेटअप है वो QCI 1 के लिए सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन क्या होगा, कॉल हो सकती है फेल हो जाए। ठीक है, किस पर, ऑन SIP और इशू रिलेटेड AV SR VCC, हो सकता है SR VCC रिलेटेड भी इशू हो जाए। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर हमें एक यूजर दूसरे यूजर को कॉल लगाता है तो उसमें क्या होता है,
यहाँ पे SIP, पहले SIP इनवाइट होता है, फिर SIP 100 ट्राइंग होता है, SIP 183 सेशन इज प्रोग्रेस होता है, इस तरीके से ही प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, जब हमें भी कोई भी वोल्टी कॉइल सेटअप करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एडिशनल बियरर ऐड हो जाता है, जो मैंने अभी बताया क्या होता है, QCI1। ठीक है, अगर हमें पार्टी ए से पार्टी बी को कॉल करानी है, ठीक, पार्टी ए से पार्टी बी को कॉल करानी है, तो ये प्रोसेसिंग यूज में आएगी कैसे, पहले तो ये जान लीजिए SIP 100 ट्राइंग क्या होता है और SIP 200 ओके क्या होता है। ठीक, SIP 100 ट्राइंग का मतलब होता है IMS acknowledges that the SIP invite was received, यानी जो हमने यहाँ पे SIP invite किया था वो क्या करेगा, जो हमारा IMS signaling होती है, IMS होता है, वो उस acknowledge को क्या करेगा, receive कर लेगा, यानी वो बताएगा, यानी SIP invite trunk क्या बताएगा हमें, जो हमारे पास acknowledge आई थी, IMS acknowledge आई थी, वो हमें क्या हो गया, receive हो गई है। उसके बाद इतनी प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं SIP 200 ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द SIP 200 ओके सिग्नल्स दैट द कॉल हैज बीन आंसर्ड, यानी जो हमारी कॉल है वो दूसरे यूजर के पास पहुंच गए और उसने कनेक्ट कर लिए। ठीक है, और उसके बारे में ये भी बताता है कि हमें कौन सा कोड है यूज करना है, जो रिमोट सब्सक्राइबर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज में आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख लीजिए, यहाँ से हम कॉल सेटअप के लिए एक विजुअलाइज करते हैं किस तरीके से कॉल सेटअप होती है, इसे आप सोचिए। लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द कॉल सेटअप प्रोसेस फॉर ए वोल्टी कॉल। ठीक, वोल्टी कॉल के लिए हम कॉल सेटअप प्रोसेस को विजुअलाइज करते हैं। देखिए, पार्टी ए जो मैंने अभी दिखाया था, पार्टी ए विल इनिशिएट ए RRC कनेक्शन। ठीक है, पार्टी ए क्या है, RRC कनेक्शन इनिशिएट करेगी सबसे पहले विद कोज कोडेक ऑफ एमओ डेटा, किसके साथ में, एमओ डेटा कोडेक के साथ में, आफ्टर RRC सेटअप कंप्लीशन, जब हमारा RRC सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, इट विल शेयर विद द नेटवर्क, वह क्या करेगा, नेटवर्क के साथ शेयर करेगा क्या, दैट इट हैज VOPS यानी वोल्टी कैपेबिलिटी, वो शेयर करेगा कि जो हैंडसेट है मेरा उसमें वोल्टी कैपेबिलिटी है, वोल्टी कैपेबल है, एंड इट परफॉर्म्स टू यूज वोल्टी, और वह वोल्टी को कर सकता है। देन क्या होगा, द कोर विल इनिशिएट ईरैप सेटअप इनसाइड इनिशियल कॉन्टैक्ट सेटअप रिक्वेस्ट ऑफ QCI9 एंड QCI5 फॉर द यूज। उसके बाद क्या होगा, जो कोर नेटवर्क होगा वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा ईरैप सेटअप को। ठीक है, क्या करेगा, ईरैप सेटअप को इनिशिएट करेगा, किसके अंदर, एक मैसेज होगा इनिशियल कॉन्टैक्ट सेटअप रिक्वेस्ट, उसके अंदर भी मैसेज जाएगा। ठीक, किसके, सेटअप रिक्वेस्ट ऑफ Q9 एंड Q5। ठीक है, यू क्यू जो हमारा यू ई होता है, मोबाइल होता है, उसके QCI9 और QCI5 की। ठीक, वंस जब द रैव हैज बीन सेटअप, जब हमारा रेडियो एक्सेस बियरर सेटअप हो जाएगा, एक बार सेटअप हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, द पार्टी ए विल सेंड ए SIP इनवाइट ओवर QCI5। उसके बाद जो हमारी पार्टी ए है, ठीक, वो क्या करेगी, विल सेंड ए SIP इनवाइट, एक SIP इनवाइट मैसेज जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे ऊपर SIP इनवाइट मैसेज जाएगा। ठीक, ओवर QCI5, किसके साथ में जाएगा, QCI5 पर, विच इज द मैसेज इनिशिएटिंग द वोल्टी कॉल, ये एक वो मैसेज होता है जो वोल्टी कॉल के लिए इनिशिएट होता है। ठीक, दिस मैसेज कैरीज द पार्टी बीज नंबर, उस मैसेज में क्या होगा, पार्टी बी का नंबर होगा। ठीक, एंड द नेटवर्क फाइंड्स आउट बोथ द पार्टी ए एंड पार्टी बी, तब हमारा नेटवर्क क्या होगा, दोनों पार्टियों को फाइंड आउट करेगा कि जो हमारा फर्स्ट सब्सक्राइबर है जो कॉल कर रहा है और जिसको कॉल करी जा रही है, उन दोनों नेटवर्क, दोनों जो बंदे हैं वो सिक्योरिटी पर्पज से ठीक हैं या नहीं है, इन दोनों को हम कॉल कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कॉल कैसे कनेक्ट होगी, या हमें कुछ भी करना होगा तो कैसे होगा वोल्टी के अंदर, उसके लिए हमें जानना होगा कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन। दिस मैसेज कैरीज द पार्टी बी नंबर एंड द नेटवर्क फाइंड बोथ द पार्टी एंड पार्टी बी, तो तब क्या होगा, जो नेटवर्क होगा वो दोनों पार्टी ए और पार्टी बी को फाइंड आउट कर लेगा। इट कैन आल्सो कैरी द सपोर्टेड कोडेक, वो क्या, इसके बावजूद भी वो और क्या चीज कैरी करता है,
सपोर्टेड कोडेक, यानी कौन सा कोडेक यूज कर रहा है वोल्टी को जो हम करना चाह रहे हैं, वो नैरो बैंड कोडेक है या वाइड बैंड कोडेक यूज कर रहा है, वो सब चीज देखनी होती है। ठीक, उसके लिए वाइड बैंड में हो सकता है वो 23.85 कोडेक यूज कर रहा हो, या नैरो बैंड में AMR नैरो बैंड 12.2 कोडेक यूज कर रहा हो। ठीक, तो उसके लिए भी आगे बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, द कोडेक आर नेगोशिएटेड फॉर द कॉल, जो कोडेक हो जाता है वो नेगोशिएट हो जाता है, ठीक कर दिया जाता है। वंस द नेटवर्क रिसीव द SIP इनवाइट, जब हमारा नेटवर्क SIP इनवाइट मैसेज रिसीव कर लेता है, इट विल रेस्पॉन्स विद SIP मैसेज 100 टाइम। वो किसके साथ रेस्पॉन्स करेगा, SIP इनवाइट आने के बाद 100 टाइम। ठीक है, ये एक मैसेज जाएगा, विच जस्ट इंडिकेट्स व्हाट द नेम सजेस्ट, वह केवल यह इंडिकेट करेगा कि क्या नेम सजेस्ट किया गया है, दैट द नेटवर्क इज ट्राइंग टू सेट अप द कॉल। ठीक है, जो नेटवर्क कॉल सेटअप करने के लिए कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेटवर्क फॉरवर्ड द SIP इनवाइट टू पार्टी बी, नेटवर्क क्या करेगा, जो हमारा SIP इनवाइट आया उसको पार्टी बी को सेंड कर देगा, एंड पार्टी बी यानी जिसको हम कॉल कर रहे हैं उसको कैन रेस्पॉन्ड विद 100 टाइम। वो पार्टी बी क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा 100 टाइम के साथ, एंड इट कैन आल्सो सेंड ए 183 सेशन इन प्रोग्रेस। ठीक है, और क्या वह क्या करेगा, एक मैसेज और सेंड करेगा जो होगा 183 सेशन इन प्रोग्रेस। ठीक, विच इज ए प्रिडिक्ट प्री कंडीशन सिनेरियो विच ट्रिगर द QCI 1, वह क्या होता है, एक प्री कंडीशन सिनेरियो होता है, यानी ये जो 183 सेशन इन प्रोग्रेस है ये प्री कंडीशन सिनेरियो होता है जो ट्रिगर करता है QCI 1 को। ठीक है, एंड इट कैन कंटेन कोडेक इंफॉर्मेशन एज वेल, और यह क्या करता है, एक कोडेक इंफॉर्मेशन भी रखता है। आफ्टर SIP 183, जब हमारा 183 SIP जाएगा, देख लीजिए दोबारा से, ये रहा थर्ड लाइन में देख सकते हैं, SIP 100 टाइम के साथ साथ क्या हो भेजता है, वो 183 सेशन इन प्रोग्रेस। ठीक है, ऐसे, और ये इस मैसेज में क्या क्या चीज होती है हमारी, QCI 1 और दूसरी क्या है, कोडेक इंफॉर्मेशन। ठीक, यानी ये मैसेज क्या क्या ट्रिगर करता है QCI 1 को, इंफॉर्मेशन जो है कोडेक की उसको। जब आफ्टर SIP 183 द पार्टी ए एंड पार्टी बी गेट द QCI 1, जब पार्टी ए और पार्टी बी QCI 1 को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, गेट द QCI 1, एंड दिस इज डन बाय ईरेप सेटअप रिक्वेस्ट फ्रॉम द MME, ये किस कब डन हो पाता है, जब ईरेप किसके द्वारा डन हो पाता है, ईरेप सेटअप रिक्वेस्ट के द्वारा, किससे, MME से। ठीक, द ई नोड बी सर्विंग बोथ द पार्टीज सेंड RRC कनेक्शन रिकन्फिगरेशन, ठीक, टू द यूजर एडिंग द DRBs फॉर QCI 1। उसके बाद क्या होता है, दिस इज फॉलोड बाई 180 रिंगिंग, उसके बाद क्या होता है, 180 रिंगिंग होती है, जो ये मैसेज होता है 180 रिंगिंग, विच इज द अलर्टिंग मैसेज इंडिकेटिंग दैट द कनेक्शन हैज बीन सेट अप एंड द कॉल कैन बी रिसीव्ड। ये क्या शो करता है कि जो हमारा एक 180 रिंगिंग मैसेज होता है जो इंडिकेट करता है जो हमारा कनेक्शन है वो सेटअप हो गया है और कॉल क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। रिसीव होने के बाद हमारा एक मैसेज आएगा तुरंत, वो क्या होगा, SIP 200 OK। ठीक है, क्या मैसेज आएगा, SIP 200 OK इन द एंड शो ए सक्सेसफुल कॉल सेटअप, जो शो करता है कि हमारी जो कॉल है वो सक्सेसफुल सेटअप हो गई है। ठीक, इसके बाद अब हम चलते हैं वोल्टी मोबिलिटी के साथ। ये तो आप जान ही गए होंगे कि वोल्टी कॉल सेटअप कैसे होती है और क्या क्या मैसेज जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं वोल्टी मोबिलिटी एंड कोडेक के साथ। वोल्टी मोबिलिटी और कोडेक है क्या वो जान लेते हैं। देखिए, कंसिडरिंग LT हैज ए हायर कैपेसिटी, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा LT है वो हायर कैपेसिटी का है। ठीक, मोस्ट ऑफ द वोल्टी टू वोल्टी कॉल्स यूज वाइड बैंड कोडेक, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हमारी वोल्टी कॉल्स होती है, यानी वोल्टी से वोल्टी कॉल होती है, वो क्या यूज करता है, वाइड बैंड कोडेक, विच प्रोवाइड बेटर क्वालिटी, जो हमें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक,
फॉर इंस्टेंस ए वोल्टी टू वोल्टी कॉल माइट यूज एएमआर वाइड बैंड 23.85 व्हाइल ए नॉर्मल कॉल इन 3G माइट बी यूज. देखिए जो हम वोल्टी से वोल्टी कॉल करते हैं तो वो क्या यूज करता है, एएमआर वाइड बैंड 23.85 किलोबिट पर सेकेंड कोड है, ठीक. जबकि हमारा जो नॉर्मल 3G कॉल जो होती है वो क्या यूज करती है, एएमआर नैरो बैंड 12.2, ठीक है, केबीपीएस यानी इतने का कोड है. सो इट मींस दैट इट रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ फॉर ए कॉल यूजिंग दिस कंपेयर टू ए कॉल यूजिंग दिस केबीपीएस एंड देयरफॉर इट हैज ए बेटर क्वालिटी एज वेल, ठीक है. देखिए सो इसलिए इट मींस दैट इसका मतलब यह होगा कि इट रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, इससे और अधिक बैंडविड्थ की जरूरत होती है फॉर ए कॉल कॉल के लिए यूजिंग 23.85 केबीपीएस, यानी जो हमारा 3G है उसका मतलब ये हुआ उसे इतने की अगर हमें कॉल करानी है तो उसे और बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. जबकि क्योंकि वह क्या यूज करता है, 12.2 केबीपीएस यूज करता है, ठीक है. तो इसलिए वोल्टी में हमारी क्या होती है, कॉल की क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि वह यूज करता है वाइड बैंड 23.85 केबीपीएस का कोडेक. अब देखिए हाउ एवर ए हायर कोडेक नीड्स बेटर रेडियो कंडीशन, जो हमारा जितना हायर कोडेक होगा वो क्या यूज करेगा, अच्छी रेडियो कंडीशन यूज करता है. जितनी अच्छी रेडियो कंडीशन होगी हमारी जो कॉल क्वालिटी होगी वोल्टी में वो उतनी ही अच्छी होगी, ठीक. सो इफ ए वोल्टी कॉल इज यूजिंग वाइड बैंड 12.65, अगर वोल्टी कॉल यूज कर रहा है वाइड बैंड 12.65 तो इट माइट बी एबल टू सस्टेन ए रेस्पॉन्सिबल क्वालिटी, ठीक है. हो सकता है ये एक रेस्पॉन्सिबल क्वालिटी दे, कहाँ तक, जहाँ तक ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ दी हुई है -113 dBm RSRP होना चाहिए और -5 dBm SINR होना चाहिए, ठीक है, इम्फेरिकल वैल्यूज जो दी हुई है. बट द सेम कॉल ऑन वाइड बैंड 23.85, अगर वही कॉल वाइड बैंड 23.85 यानी 23.85 पे चल रही है, उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, अधिक RSRP होना चाहिए यानी अच्छा RSRP होना चाहिए और SINR वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. देखिए अगर हमारा ये बैंड यूज हो रहा है यानी वाइड बैंड 12.65 यूज हो रहा है तो उसमें अगर क्वालिटी इतनी तक भी होगी यानी स्ट्रेंथ इतनी भी होगी और SINR ये भी होगा तो भी चल जाएगा. लेकिन अगर हम वाइड बैंड ये यूज कर रहे हैं 23.85 तो उसके लिए SINR और RSRP काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक. ए 23.85 कॉल हैज 6 to 8% स्मॉलर सेल रेडियस कंपेयर टू दिस, ठीक है. जो हमारा 23.85 कॉल्स होगी वो क्या करती है, 6 से 8% रेडियस कम यूज करता है, ठीक है. जबकि जो कंपेरिजन किसकी कंपेरिजन में 12.2 और 12.65 में. नेक्स्ट पे चलते देख लेते हैं. सो द प्लानिंग ऑफ द ए टू थ्री सोल्ड ऑफ SRVCC शुड कंसीडर द कोडेक डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल. जो ए टू प्लानिंग होती है, जो ए टू मैसेज आप देखते होंगे थ्री सोल्ड का, वो कि SRVCC के लिए वो कोडेक को कंसीडर करके ही किया जाता है. इफ द नेटवर्क इज सपोज टू यूज वाइड बैंड 23.85 फॉर मोस्ट ऑफ द कॉल्स, अगर हमारा नेटवर्क सपोज करते हैं कि वो यूज कर रहा है वाइड बैंड 23.85, ठीक है, ज्यादातर कॉल के लिए वो क्या यूज कर रहा है वाइड बैंड 23.85, ठीक है, तब क्या होगा, देन SRVCC थ्रू सोल्ड शुड बी प्लांट अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग जो SRVCC प्लांट किया जाता है वो प्लांट किया जाएगा, ठीक. हाउ एवर इन केस ऑफ TRFO सिनेरियो, जो हमारा एक TRFO सिनेरियो होता है उसमें क्या होगा, द वोल्टी कॉल्स माइट बी यूजिंग, हो सकता है जो हमारी वोल्टी कॉल्स हैं वो यूज कर रही हो नैरो बैंड 12.2 और लोअर कोडेक और उससे भी कम कोडेक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेटवर्क विल हैव मच मोर वॉइस ट्रैफिक, क्योंकि जो हमारा ज्यादातर नेटवर्क होता है उन पे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हो ऑन 3G कंपेयर टू वोल्टी, यानी जो हमारा 3G है उस पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है वोल्टी के कंपेरिजन में, ठीक है. इसलिए ये हो सकता है कि वह यूज करे नैरो बैंड 12.2 कोडेक को, ठीक. सो इफ ए वोल्टी यूजर मेक ए कॉल टू अनोदर यूजर, यार अगर हमारा कोई वोल्टी यूजर किसी दूसरे यूजर को कॉल करता है हु इज ऑन 3G, जो कि 3G पर है, ठीक है, जो 3G यूज कर रहा है, विच सपोर्ट नैरो बैंड, यानी जो
नैरो बैंड सपोर्ट करता है, नैरो बैंड 12.2 को, ठीक, यानी हैंडसेट उसका क्या सपोर्ट करता है, नैरो बैंड को, देन द कॉल विल सेट अप ऑन नैरो बैंड, इतना। तब क्या होगी, हमारी कॉल सेटअप होगी किस पर, नैरो बैंड 12.2 पर, एंड देयर फॉर इसीलिए द वोल्टी यूजर विल ऑल्सो यूज, तब क्या होगा, हमारा जो वोल्टी यूजर है वो भी क्या यूज करेगा, नैरो बैंड 12.2, ठीक, इवन दो हिज हैंडसेट सपोर्ट वाइड बैंड कोडेक, जहाँ यहाँ तक कि अगर वो वाइड बैंड यानी जो वोल्टी यूजर है वो वाइड बैंड को यूज कर रहा है, तब भी अगर हमारा 3G यूजर नैरो बैंड यूज कर रहा है तो वोल्टी वाला यूजर भी नैरो बैंड ही यूज करके कॉल करेगा, ठीक। सो मोस्ट ऑफ द कॉल्स इनिशियली यूज नैरो बैंड इवन इन ए वोल्टी सेटअप, चाहे वो वोल्टी सेटअप हो या कुछ भी हो, स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा यूजर क्या होगा, नैरो बैंड को ही यूज करेगा। इफ 3G नेटवर्क हैज वाइड बैंड कोडेक एक्टिवेटेड, अगर हमारा 3G नेटवर्क वाइड बैंड कोडेक एक्टिवेटेड है, देन द प्रोपोर्शन ऑफ वाइड बैंड कोडेक ऑन वोल्टी विल आल्सो इंक्रीज, तब क्या होगा, हमारा वोल्टी का जो वाइड बैंड कोडेक है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए द एवरेज वॉइस क्वालिटी विल आल्सो इंप्रूव, और क्या होगा, हमारी जो वॉइस की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, यानी दोनों ही अगर वाइड बैंड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी वॉइस की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं, अनदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन द इनिशियल डिजाइन इज द कंसेप्ट ऑफ HOIT इन वोल्टी, अनदर जो कंसेप्ट है हमारा जिस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया वो है HOIT, ठीक है। HOIT इज हैंडओवर इंटरप्शन टाइम, HOIT क्या है, हमारा हैंडओवर इंटरप्शन टाइम है, एंड इट इज यूजुअली मेजर्ड फॉर वोल्टी यूजिंग OHDM, और यह क्या है, यह यूजुअली मेजर किया जाता है वोल्टी के लिए यूजिंग OXDM, आखिर OXDM है क्या, वो हम जान लेते हैं। OXDM एक टूल है जिसका पूरा नाम है क्वालकॉम एक्सटेंसिबल डायग्नोस्टिक्स एंड मॉनिटरिंग टूल, ठीक है। इनिशियल में क्या होगा था, जो इनिशियली HOIT वोल्टी के लिए कितना रखा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियली इट शुड बी लेस देन 50 मिली सेकेंड, जो HOIT था यानी हैंड ओवर इंटरप्शन टाइम था वो शुरुआत में क्या रखा गया, 50 मिली सेकेंड फॉर वोल्टी के लिए, एंड दैट इज यूजली फाइन इन केस ऑफ इंट्रा फ्रीक्वेंसी एक्स टू हैंड ओवर, और वो काफी अच्छा भी था इंट्रा फ्रीक्वेंसी एक्स टू हैंड ओवर के लिए, हाउ एवर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर, ठीक है। लेकिन ये डिफिकल्ट किसके लिए हुआ, इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर के लिए, इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर के लिए इसे मेंटेन करना डिफिकल्ट है, इसके अलावा इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर ऑल्सो ब्रिंग गैप मोड और कंप्रेस्ड मोड ड्यूरिंग इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर प्रोसेस, इसलिए यूजर को अदर फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए गैप मोड में जाने की आवश्यकता होती है, अगर हो सके तो, अगर पॉसिबल है तो हमें क्या करना चाहिए, इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर को अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं वोल्टी कैपेसिटी की तरफ, यानी वोल्टी कैपेसिटी और डायमेंशनिंग की तरफ, तो इसमें हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें वोल्टी यूज कर रहा है AMR, एडेप्टिव मॉड्यूलेशन रेट मल्टी रेट, ठीक है, वाइड बैंड 23.85 KBPS किलोबिट पर सेकेंड, ठीक है। सिंस वोल्टी जेनरेट्स पैकेट्स आफ्टर एवरी 20 मिली सेकेंड इन 1000 मिली सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टी जेनरेट करता है पैकेट्स एवरी आफ्टर एवरी 20 मिली सेकेंड्स, ठीक, 100 मिली सेकेंड्स में कितने पैकेट जेनरेट करे उसने, जब वोल्टी हर एक 20 सेकेंड में एक पैकेट जेनरेट करता है, ठीक है, हर 20 मिली सेकेंड में एक पैकेट जेनरेट कर रहा है, तो 1000 मिली सेकेंड में कितने पैकेट जेनरेट करेगा, आपको क्या करना होगा, 1000 को 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 50 पैकेट्स, ठीक है, यानी वो 1000
मिली सेकंड में कितने पैकेट जनरेट कर रहा है? 50 पैकेट। जबकि हम जानते हैं जो कोडेक जनरेट कर रहा है 23.85 kbps। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ वी नो दैट द कोडेक जनरेट 23.85 kbps। ठीक है, जो कोडेक जनरेट करता है 23.85 kbps करता है पर सेकेंड। ठीक है, क्या जनरेट करता है? 23.85 kbps एंड इट जनरेट्स 50 पैकेट्स पर सेकेंड, और यह जनरेट करता है 50 पैकेट्स को पर सेकेंड। ठीक है, सो इच AMR वाइड बैंड 23.85 पैकेट्स विल बी 473 बिट्स, यानी जो हमारा कोडेक है 23.85, ठीक है, वो कितने बिट्स जनरेट करेगा देख लेते हैं। देखिए, 23.85 kbps। अब 23.85 को अगर हम बिट, ठीक है, बिट्स में चेंज करें तो क्या आएगा, 23.85 किलो को अगर हम काटते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, बिट पर सेकंड रह जाएगा। ठीक है, सॉरी, थाउजेंड्स, थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाए देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब 100 में से, 100 से अगर हम 1000 को काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो बचेगी, तो बचा कितना है, 23.85 जीरो। तो हमारा कितना है, 23.85 जीरो। अब 23.85 जीरो को हमें पैकेट से डिवाइड करना है, जो हमारे पास 50 पैकेट से उनसे डिवाइड करना है, तो हमारे पास कितनी बिट्स आएंगी, 473 बिट्स, यानी 0 से 0 कट जाएगा। और 5 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 477। 477 जो आप देख रहे हैं ये क्या आया, दिस इज द साइज ऑफ वोल्टी पेलोड, यही वोल्टी पेलोड का साइज होता है। लेकिन देयर विल बी ओवर हेड्स लाइक हेडर्स, यहाँ पे कुछ ओवर हेड्स भी हैं जो हेडर्स के हैं, जैसे कि IP हो गया, UDP हो गया, RTP हो गया। ठीक है, दैट नीड्स टू बी एडिड टू इच पैकेट, जो हर एक पैकेट के साथ जुड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, वोल्टी डायमेंशनिंग के लिए, अगर हमें वोल्टी डायमेंशनिंग करनी है तो हर पैकेट्स के साथ इनको ऐड करना जरूरी होते हैं। ये टिपिकल IPv4, IPv4 आप देखते होंगे अपने मोबाइल में, IPv6, IPv4, ये दो चीज होती हैं। ठीक है, हेडर, ये हेडर्स होते हैं, इस अराउंड 20 बाइट्स, क्या होता है ये, कितने का होता है, 20 बाइट्स का होता है एंड ओवरऑल। ठीक है, द ओवर हेड विल बी अराउंड 40 से 50 बाइट्स, और जो ओवर हेड होता है वो कितने का होता है, वो 40 से 50 बाइट्स का होता है। ठीक, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो 45 बाइट्स का है उसका मतलब क्या हुआ हमारा, 307 बिट्स, यानी 45 बाइट्स इक्वल टू कितना हो गया, 360 बिट्स ऑफ ओवर हेड। ठीक है, विच मीन्स दैट द टोटल बिट्स पर वोल्टी पैकेट्स विल बी अराउंड, तो टोटल बिट्स कितनी होंगी पर वोल्टी पैकेट्स, 837। अभी 837 कैसे आया देखिए, अब देख लेते हैं, जो हमारा 45 बाइट्स इक्वल टू कितना हो गया, 360 बिट्स। ठीक, तो टोटल बिट पर वोल्टी पैकेट्स कितना हो गया, अराउंड 837 बिट्स। 837 कैसे हो गया, 477 जो हमारा अभी ऊपर निकल के आया था। ठीक है, जो वोल्टी पेलोड था, वोल्टी पेलोड का साइज था, और ये 360, 360 किसका आया, जब हमने 45 बाइट्स को चेंज करा। ठीक, उसके बाद सो इन 1 सेकेंड, इसलिए 1 सेकेंड में वी विल हैव 41.85 किलो बिट्स, यानी 1 सेकेंड में हमारे पास कितने बिट्स, किलो बिट्स एज्यूम हुए, 41.85, यानी 85, 41.85। ठीक है, 41.85 का मतलब क्या हुआ, 837 बिट्स पर पैकेट गुना 50 पैकेट्स पर सेकेंड की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आएगा 41.85 किलो बिट्स। इफ ROHC इज इनेबल्ड इन द नेटवर्क, अगर हमारा ROHC नेटवर्क के अंदर इनेबल्ड हो जाता है, होता है, तो क्या होता है, द पैकेट साइज विल गो डाउन, तो हमारा पैकेट साइज क्या होगा, डाउन हो जाएगा, एज इट कंप्रेस द हेडर्स टू अराउंड 1 to 2 bytes। ये क्या करता है, जो हमारे हेडर्स हैं उनको कंप्रेस कर देता है 1 से 2 byte तक।
लेट्स हैव ए लुक एट व्हाट इट मींस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, उसका मतलब कैपेसिटी के टर्म्स में क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इफ आई एड 1 वोल्ट यूजर हु मेक ए कॉल, अगर हम 1 वोल्ट यूजर ऐड करते हैं जो क्या करता है, एक कॉल लगाता है। ठीक, ऑन सेल विद 10 मेगाहर्ट्स, किसी सेल पर अगर एक कॉल लगाता है जो 10 मेगाहर्ट्स का सेल है, 10 मेगाहर्ट्स फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, इट विल टेक 42 kbps फ्रॉम द सेल। तो वो क्या करता है, 42 kbps यानी किलोबिट पर सेकेंड सेल से लेता है। ठीक, इफ द यूजर काउंट इज इंक्रीज, अगर हम साइमल्टेनियसली यूजर इंक्रीज कर दें, अगर हम 10 कर दें तो क्या होगा, हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी 420 kbps वो सेल से लेगा, यानी जो हमारा टावर है उसके एक सेक्टर से अगर हम उस पे कितना क्या करते हैं, यूजर्स बढ़ा देते हैं, 10 यूजर कर देते हैं वो, और कॉल लगा रहे हैं, तो वो कितने ले रहे हैं पर सेकेंड, 420 kbps। उसी तरह अगर हम अपने यूजर्स 200 कर दें तो तब क्या होगा, अगर हम 200 की मल्टीप्लाई करें 42 kbps में, क्योंकि एक बंदा 42 kb ले रहा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84। उसी तरीके से अगर हम 200 यूजर्स करें तो 200 यूजर्स की 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ठीक है, कितना आएगा, 8.4 mbps। ठीक है, यानी 200 यूजर हमारा 1 सेकेंड में कुल कितने एमबी खा रहे हैं, 8.4 एमबी। 200 यूजर, सोचिए 200 यूजर कितने एमबी खा रहे हैं, 8.4 एमबी। ठीक है, लुकिंग एट इन दिस डज नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वोल्टी ऑन द सेल कैपेसिटी, ये कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है वोल्टी सेल की कैपेसिटी पर। ठीक है, आप देख सकते हैं 200 यूजर होने के बाद भी वो केवल 1 सेकेंड में कितनी एमबी खा रहे हैं, 8.4 एमबी, ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाउ एवर देयर इज अनदर डायमेंशन टू दिस कैलकुलेशन, अगर दूसरी डायमेंशन क्या है, देखिए नॉर्मल सिनेरियो देखेंगे, अंडर नॉर्मल सिनेरियो वोल्ट यूजर्स टेक 1 to 2 रिसोर्स ब्लॉक पर पैकेट। वोल्ट यूजर्स क्या होते हैं, 1 से 2 रिसोर्स ब्लॉक लेते हैं हर एक पैकेट के साथ में, बट दे कैन टेक मल्टीपल सीसीईज फॉर इच एलोकेशन, लेकिन वो क्या करते हैं, मल्टीपल सीसी यूज करते हैं हर एक लोकेशन के साथ, 2, 4 और 8। ठीक है, फॉर इच वोल्ट यूजर, हर एक वोल्ट यूजर के साथ ए पीडीसीसीएस ग्रांट विल बी गिवन, एक पीडीसीसीएस एक्सेस मिल जाता है विच विल टेल द वोल्ट यूजर वेयर इट्स पैकेट लोकेटेड ऑन द पीडीसीसीएस, जो वोल्ट यूजर को बताते हैं कि जो उनका पैकेट है पीडीसीएस पर किस जगह पर है। इसमें अब देखिए, सो इफ देयर आर 200 वोल्ट यूजर्स, अगर वहाँ पे 200 वोल्ट यूजर्स हैं एंड दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम, और वो टाइम के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, देन इच टीटीआई विल हैव 10 वोल्ट यूजर्स, तब क्या होगा, हर एक टीटीआई पर कितने वोल्ट यूजर्स होंगे, 10। तो 10 यूजर्स इन TTI 0 विल नीड टू बी शेड्यूल्ड इन, जो 10 यूजर हमारे TTI 0 पर होंगे वो कैसे शेड्यूल्ड होंगे, जैसे TTI 20 पर हो गया, एक TTI 40 पर हो गया, TTI 60 पर हो गया, TTI 80 पर हो गया, ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे। उसी तरह अगले जो 10 यूजर्स होंगे उन्हें कहाँ पे रख देंगे, हम TTI 1 पर रख देंगे, एक TTI 21 पर, एक TTI 41 पर, इसी तरीके से हम यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर वहाँ पे 200 वोल्ट यूजर्स हैं तो वोल्टी टीटीआई कितनी होगी, 20। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे ये मैंने अभी आपको बता दिया था, दिस मींस दैट इफ देयर आर 200 यूजर्स, अगर वहां पे 200 यूजर्स हैं एंड द वोल्टी टीटीआई इज 20, और वोल्टी टीटीआई कितनी है, 20 है, सो द नंबर ऑफ यूजर पर टीटीआई, तब हमारा नंबर ऑफ यूजर होंगे पर टीटीआई कितने होंगे, विद इवन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, 200 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 10। ठीक है, हर एक टीटीआई पे कितने यूजर्स हुए, 10। तो आप देख लेते हैं, इन 10 मेगाहर्ट्स 10 मेगाहर्ट्स बैंड में वी हैव 50 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, हमारे पास कितने रिसोर्स ब्लॉक है, 50। सो दिस इज नॉट एन इश्यू, हाउ एवर इन 10 मेगाहर्ट्स वी हैव अराउंड 40 सीसीज, हमारे पास 10 मेगाहर्ट्स में कितनी सीसी होंगी, 40। ठीक, इफ PDCCS uses
ऑल द थ्री सिंबल्स, अगर हमारा जो PDCCH है वो तीनों सिंबल्स को यूज करता है, एंड इफ ईच यूजर टेक्स 4 CC, और अगर हमारा हर एक यूजर 4 CC यूज करता है, देन ऑल 40 CC विल बी कंज्यूम्ड बाई 10 वोल्टी यूजर्स। तो तब क्या होगा, हमारे 40 CC जो है किस 10 यूजर्स के द्वारा कंज्यूम कर ली जाएंगी, एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर द डेटा यूजर्स। तो तब क्या होगा, हमारा डेटा यूजर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो दिस सिग्निफाइज द पॉइंट दैट वोल्टी विच इन ए स्मॉल पैकेट सर्विस कैन कंज्यूम मोर कंट्रोल रिसोर्स कंपेयर टू डेटा रिसोर्सेज, एंड दस इट्स कैपेसिटी शुड ऑल्सो बी डायमेंशन फ्रॉम द कंट्रोल PDCCH प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये था हमारा वोल्टी के बारे में। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।